माय कंप्यूटर ओपन करेंगे तो ये देखेंगे, ये देखिए जो जी ड्राइव मेरा रेड कलर का था उसमें अब 45.1 GB फ्री स्पेस अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप कोई भी पार्टीशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका डेली टेक ज्ञान में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने लैपटॉप या पीसी के हार्ड डिस्क को डिलीट कर सकते हैं और कैसे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये एच वॉल्यूम है जो कि 42.11 GB का है लेकिन टोटली खाली है ये, तो इसे मैं डिलीट कर सकता हूँ। कैसे डिलीट करना है इसे और उसके बाद कैसे एक दूसरे ड्राइव में एक्सटेंड करना है, तो मैं आपको माई कंप्यूटर ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। मेरा एच ड्राइव है ये टोटली खाली है, देखिए 42 GB का है ये और ये टोटली खाली है, फ्री, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो मुझे एच ड्राइव को यहाँ पे डिलीट करना है। एच ड्राइव को डिलीट करके मुझे जी ड्राइव में ऐड करना है। मैं कंट्रोल पैनल में कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाता हूँ। कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाने के बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ पे मुझे सारी ड्राइव्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये जो एच ड्राइव है मुझे इसे डिलीट करना है, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद मुझे डिलीट वॉल्यूम पे जाना है। डिलीट वॉल्यूम से ये ड्राइव टोटली डिलीट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इसमें कोई डेटा नहीं होना चाहिए वरना वो पूरा इरेज हो जाएगा। तो मैं इस पे यस कर देता हूँ। तो ये देखिए ये डेटा यहाँ पे टोटली डिलीट हो चुका है और ये मेरा फ्री स्पेस बन गया है एच ड्राइव 42.11 GB का। अब ये माई कंप्यूटर में से भी हट चुका है, अब आपको माई कंप्यूटर में भी एच ड्राइव नहीं मिलेगा बिकॉज मैंने इसे डिलीट कर दिया है। देखिए यहाँ से एच ड्राइव गायब हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों अब मुझे ये जो फ्री स्पेस है इसे ऐड करना है अपने जी ड्राइव में। आप देख रहे हैं जैसे जी ड्राइव मेरा 109 GB का लगभग है और इसमें जो खाली स्पेस है वो लगभग 3% है, 3 GB के लगभग इसमें फ्री स्पेस है। तो उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर में भी दिखा देता हूँ। देखिए ये टोटली रेड हो चुका है और मुझे इसमें जो फ्री स्पेस मैंने बनाया था उसे ऐड करना है। तो इसके लिए मैं अगेन कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में मुझे इस ड्राइव पे जी ड्राइव पे एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करना है। तो एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करने पे विजार्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे और मुझे इस पे नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है कि आप कितना पार्टीशन बढ़ाना चाहते हैं, उसमें ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 42.11 GB का ही फ्री स्पेस अवेलेबल है और मैं टोटली पूरा ही ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप उससे कम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे आपको MB लिखना होगा कि कितना डेटा आप उसमें से ऐड करना चाहते हैं। बट क्योंकि मैं पूरा ही ऐड करना चाहता हूँ जी ड्राइव में 42 GB, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस इन MB, मैं उसे वैसा ही रहने देता हूँ। अगर आपको कम ऐड करना है तो आप कम लिख सकते हैं और नेक्स्ट दबा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे, मैंने डिस्क जीरो को सिलेक्ट किया है वही रहने देता हूँ और उसके बाद फिनिश दबा देता हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए जी ड्राइव जो कि पहले मेरा लगभग 100 GB का था अब वो 151 GB का हो चुका है और जो फ्री वॉल्यूम था 42 GB का वो इसमें ऐड हो चुका है। मैं एक बार माई कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ। माई कंप्यूटर ओपन करेंगे तो ये देखेंगे, ये देखिए जो जी ड्राइव मेरा रेड कलर का था उसमें अब 45.1 GB फ्री स्पेस अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप कोई भी पार्टीशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैंने एच ड्राइव को डिलीट करके उसे जी ड्राइव में ऐड किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।